हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी ट्री विद निशू। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि 12th के बाद आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे लेंगे, कैसे होता है, ठीक है। क्या आपको पता है? तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है वो ये वीडियो को देख सकते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाली। मैं तो बोलूँगी कि एवरी 12th स्टूडेंट्स इस वीडियो को ज़रूर देखो। आपको बताने वाली हूँ कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे होती है। तो देखो, 12th कंप्लीट करने के बाद जब आपके परिणाम घोषित होते हैं, यानी रिजल्ट आउट होते हैं, उसके बाद कुछ मंथ के बाद ही फॉर्म आउट होती है। फॉर्म फिलअप करने के बाद ही आपको 12th का, याद रखिए, रिजल्ट, सर्टिफिकेट, एडमिट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। मैं इसलिए बोल रही हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या होता है कि कभी कभी एडमिट खो जाता है या फिर सर्टिफिकेट खो जाती है, तो फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होती है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आपके पास एडमिट, रिजल्ट, सर्टिफिकेट 12th के पास ज़रूर होना चाहिए, तब आप इजली तरीके से यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। थैंक